हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा नुस्खा जिससे जो बहुत सारे पीड़ित व्यक्ति हैं, बीमारियों से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और वो इलाज करा करा के थक गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको इलाज कोई भी काम नहीं करता, कोई भी दवाई काम नहीं करती, बहुत ही परेशान हो चुके हैं। उनके लिए आज खासकर ये उपाय होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। तो ये एक यंत्र है, इसको बनाकर रोगी को पिलाया जाता है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको बनाकर और पानी में डाल के रोगी को वो पानी पिलाया जाता है, बस इतना ही करना है। तो रोगी का जो रोग होता है वो जाता रहता है, कुछ हद तक ये प्रमाणित हुआ है। मैं 100% दावे के साथ नहीं कहता कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में है वही मैं आपको बताता हूं, मैं पहले ही बता दिया हूं मैं आपको। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले देखो जो रोगी है उसको देखना है आपको कि ये रोगी है, उसके उसको दवाई काम नहीं करती है, कोई भी दवाई इसको खिलाएं लेकिन काम नहीं करती, हालत बिगड़ती चली जा रही है। और फिर कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि वहां से दवाई खाई वो लाभ हो गया, फिर 10 दिन बाद फिर से लाभ नहीं हुआ, मतलब फिर से नुकसान होने लगा, वही कंडीशन फिर से हो गई। तो हमारे इधर भी ऐसे कई रोगी हैं, जैसे आप दवा लेके हमसे दवाई आपने ली, आपने हमसे दवाई ली, पहले लाभ हुआ आपको 4 दिन, 4 दिन के बाद फिर उसी दवाई से नुकसान होने लगा, वो इस कंडीशन फिर से हो गई। तो ऐसे ही बदलते रहोगे तो ऐसे ही नुकसान होता रहेगा, लाभ भी मिलेगा नुकसान भी होगा, लेकिन पूर्ण तरह से लाभ जिन लोगों को नहीं मिलता है उनके लिए ये उपाय है। तो करना क्या है दोस्तों, सिंपली आपको देखो गुलाब जल लेना है और उसमें केसर मिक्स करना है और अनार, अनार का पौधा पेड़ कहीं पे भी खड़ा होगा उसकी एक छोटी सी डाली काट लाओ 2 इंच की, उसकी कलम बना लो ब्लेड से छील के या चाकू से छील के उसकी कलम बना लो, और एक व्हाइट कागज लो, व्हाइट सफेद कागज, सफेद कागज पर गुलाब और केसर इन दोनों चीजों को मिश्रण आपको लेना है, किसी कटोरी में ले लेना छोटी छोटी सी, और उसी में जिस तरह से हम लिखते हैं वैसे इस यंत्र को बनाना है। मैं दिखा देता हूं, इस यंत्र को आपको बना के तैयार करना है। ये यंत्र आपको पहले ऊपर से बनाना है, आपको जो आप देख रहे हो 17 5 9 0 3, उसके बाद 0 6 है, फिर 9 10 है, फिर 8 9 6 है, मतलब पहले ऊपर का बनना भरना है, फिर नीचे का भरना है, फिर नीचे का भरना है, फिर नीचे का भरना है, मतलब सीधा आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है भरते हुए, ठीक है? एक भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसी तरह से आपको इसको बना के तैयार करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और ये जब बन के तैयार हो जाए थोड़ी देर इसको रखो, पूजा स्थल पे रख दो और वहीं पे आप अपनी कटोरी एक पानी लेके आओ, जल शुद्ध जल लेके आओ, उसी में उसको डालो, डुबो के और उसी में झाड़ा मार के उसको अलग रख दो और वो पानी रोगी को पिला दो। इससे क्या होता है, इससे लाभ होता है रोगी को और रोगी उठ खड़ा होता है और बीमारी से, ग्रसित बीमारी से छुटकारा पा जाता है। तो यही है, बहुत ही कमाल का उपाय है। तो दोस्तों अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना, जल्दी से करवा दो, मत करवाओ कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है, चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। और अगर कुछ भी अगर मदद चाहिए हमसे तो एजे फाउंडेशन खुल गया है मेरे भाइयों। देखो मदद चाहिए, मदद के लिए मैं आपको बता दूं मदद के लिए क्या करना है आपको। आपको जो भी डोनेशन करना हो, कुछ भी, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया, तो मैं आपको एजे फाउंडेशन का अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप आराम से पेमेंट कर दिया करना। जितना पेमेंट हो जाएगा मैं आपको उसका पूरा डिटेल दूंगा और उसकी दवाई बना के तैयार करूंगा। जो लोग पैसे नहीं दे पाते, जिनके पैसे नहीं हो पाते, उनको मैं अपनी उस पैसों से दवाई बना के प्रोवाइड कराऊंगा। ये भी एक तरह से सेवा बहुत बड़ी है और मैं जहां तक करता हूं मैं लोगों को का भलाई करता हूं। भैया अब पैसे हम अपने यहां से तो लगा के दे नहीं सकते, आप लोग जब मदद करोगे, आपने मदद की तो देखो ये भी लगवा लिया, सब कुछ करवा लिया हमने, बहुत पैसा, मतलब अच्छा पैसा भी कमा लिया, सब कुछ लगा लिया, ऑफिस अपना बना लिया, कैमरा भी ले लिया, फोन भी अच्छा ले लिया, लाइट भी लगी है सब। तो ये आप लोगों की कृपा है, आप लोग चाहोगे, आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों के भी घर बस जाएंगे और वो रोगों से छुटकारा पा जाएंगे। हमारे जरिए एक जरिया है, तो आप लोगों को अगर 10-5 रुपए जो भी डोनेट करने हुआ करेंगे, मैं अकाउंट नंबर डाल दूंगा आपको, दे दूंगा,
और अगर किसी को करना है तो मुझे संपर्क करना, उसका डिटेल पूरा आपको ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, मेरे aj.ayurveda.com साइट पे जाना मत भूलिएगा, एक बार देख के वहां पे जरूर देख लेना। ठीक है, ठीक है, नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का।